नायब खैबर पख्तूनख्वा ने जे यू आई के सरबराह मौलाना फजल रहमान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि तहकीकात के अहकाम नायब हेडक्वार्टर की जानिब से जारी किए गए हैं। अपडेट लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, मौलाना फजल रहमान भी अब नायब के रिटायर पर आ गए? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान भी नैब खैबर पख्तूनख्वा के रिटायर पर आ गए और नैब खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा तौर पर मौलाना के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब हेडक्वार्टर ने नैब खैबर पख्तूनख्वा को अहकाम जारी किए थे कि मौलाना फजलुर रहमान पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है, इसलिए इसके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया जाए। नैब जराए ने तस्दीक करते हुए ये बताया कि आइंदा हफ्ते मुमकिन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को नैब तलब किया जा सकता है और उनसे पूछगुछ की जा सकती है। इसके साथ साथ ये बताता चलूं कि मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई जियाउर रहमान के खिलाफ भी नैब ने तहकीकात का आगाज किया हुआ है और गुज़िश्ता चंद दिन कबल उन्हें तलब किया था और उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने, इस तरह गैर कानूनी बढ़ते और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। जी बहुत शुक्रिया कामरान आपका।